नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार साई काचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय मेडिकल से। आज हम बी ए पार्ट सेकेंड के अंदर प्रस्तावना, जो पूर्व वीडियो में हमारा टॉपिक अधूरा रह गया था, उसको पूर्ण करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आपको पूर्व वीडियो में प्रस्तावना के संबंध में बताया था कि प्रस्तावना का क्या अर्थ है, प्रस्तावना का क्या महत्व है, प्रस्तावना कहाँ से प्रभावित है, सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर प्रस्तावना के संबंध में क्या निर्णय दिए हैं और प्रस्तावना में अब तक कौन से संशोधन किए गए हैं, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, इन सब बातों पर हमने पहले वाले वीडियो में जिक्र किया था। आज हम प्रस्तावना के एक एक शब्द को समझने की कोशिश करेंगे, परंतु प्रस्तावना के शब्दों को समझने से पहले हम एक बार प्रस्तावना को देखते हैं, सुनते हैं कि प्रस्तावना क्या है। तो देखिए, भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद निम्न प्रकार से है, आगे इस प्रकार से है कि प्रस्तावना में जो कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को एतदार इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस प्रकार से ये भारत के संविधान की प्रस्तावना है 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद। अब हम प्रस्तावना के अंदर जो शब्द काम में लिए गए हैं उन शब्दों का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं कि प्रस्तावना में जो शब्द आए हैं महत्वपूर्ण शब्द उनका क्या है। जैसे कि पहला जो शब्द है प्रस्तावना में, हम भारत के लोग, इन शब्दों से भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत होती है। इन शब्दों का क्या अर्थ है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हम भारत के लोग शब्दों का अर्थ है कि प्रस्तावना के द्वारा अंतिम प्रभुसत्ता या अंतिम सत्ता या शक्ति जनता के अंदर निहित की गई, जनता में निहित है। प्रस्तावना के अंदर ये कहा गया है, प्रस्तावना के शब्दों से स्पष्ट होता है कि भारत के अंदर अंतिम सत्ता या शक्ति है वो भारत की जनता के अंदर निहित है। और दूसरा, हम भारत के लोग शब्दों से स्पष्ट होता है कि संविधान निर्माता भारत की जनता के प्रतिनिधि। दूसरा इससे क्या स्पष्ट होता है कि संविधान निर्माता भारत की जनता के प्रतिनिधि थे। और तीसरा इससे स्पष्ट होता है कि संविधान जनता की इच्छा पर आधारित है। ये स्पष्ट होता है। हम भारत के लोग शब्द हैं वो तीन बातों को स्पष्ट करते हैं। प्रस्तावना की ये जो प्रारंभिक शब्द है तीन बातों पर प्रकाश डालते हैं कि भारत के अंदर जो अंतिम शक्ति दी गई है वो भारतीय जनता को दी गई है, भारतीय जनता सर्वोच्च है। दूसरा दिया गया है कि भारत के अंदर जो संविधान निर्माता थे, संविधान सभा के जो सदस्य थे, वो भारतीय जनता के प्रतिनिधि थे, यानी भारतीय जनता के लोग थे, भारतीय जनता की इच्छा को व्यक्त कर रहे थे संविधान सभा में। और तीसरी बात है कि भारत के अंदर जो संविधान बनाया गया है वो भारतीय जनता की इच्छाओं और भावनाओं के अनुरूप बनाया गया है। इस प्रकार ये सब है ये स्पष्ट करते हैं कि सत्ता की अंतिम शक्ति जनता के अंदर निहित है और संविधान निर्माता भारतीय जनता के प्रतिनिधि हैं और उन्होंने भारतीय जनता के प्रतिनिधि के तौर पर भारतीय जनता की इच्छाओं के अनुरूप भारतीय संविधान का निर्माण किया। देखिए, 1935 का जो अधिनियम था वो भारतीय जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा नहीं बनाया गया था, भारतीय जनता की इच्छा के अनुरूप नहीं था, परंतु भारत का जो संविधान है
वो भारतीय जनता की इच्छा के अनुरूप उनके प्रतिनिधियों के द्वारा बनाया गया था और अंतिम शक्ति है वो भारतीय जनता को ही प्रदान की गई है। हम भारत के लोग ये शब्द है ये जनता की सर्वोच्चता को स्पष्ट करते हैं। अगला है, अगला जो दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का मतलब प्रस्तावना में है कि भारत है वो अब आजाद है, किसी भी राष्ट्र का देश है वो गुलाम नहीं है। भारत आंतरिक मामलों में भी सर्वोच्चता रखता है और अपने बाहरी मामलों में भी, अपने आंतरिक मामलों में और अपने विदेशी मामलों दोनों के अंदर भारत है वो सर्वोच्च है। संप्रभुता के दो रूप होते हैं, आंतरिक संप्रभुता और बाहरी संप्रभुता, और भारत अब संप्रभु राष्ट्र है। भारत अब किसी दूसरे देश का गुलाम नहीं है। दूसरे राष्ट्रों के साथ हमें किस प्रकार के संबंध तय करने हैं, किस देश के साथ संधि करनी है, किस देश के साथ समझौता करना है, वो सब भारत की सरकार अपनी इच्छा के अनुसार निर्धारित करती है। और आंतरिक क्षेत्र में हमें कौन सी नीतियां अपनानी है, आंतरिक क्षेत्र में देश में क्या कार्य करना है, वो भी सरकार अपने स्तर पर निर्धारित करती है। यानी अब देश किसी का गुलाम नहीं है, हम पूरी तरह से आजाद है अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए। इस प्रकार संप्रभुता है वो देश को, देश की संप्रभुता सर्वोच्च बताती है कि देश अब किसी दूसरे राष्ट्र का गुलाम नहीं है। तो अब हम 15 अगस्त 1947 के बाद देश संप्रभु हो गया था, आजादी मिलते ही संप्रभु हो गया था और संविधान सभा देश को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अपनी प्रस्तावना के अंदर घोषित कर रखा है। अगला जो शब्द है वो है समाजवाद। समाजवादी, मैंने बताया था कि जो समाजवादी शब्द है ये BIC संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तीन शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में BIC संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द थे। तो इस समाजवाद शब्द का अर्थ है कि भारत के अंदर जो आर्थिक व्यवस्था है वो समाजवादी दर्शन के ऊपर आधारित है। यहाँ समाजवाद का इस अर्थ है कि भारत के अंदर आर्थिक विषमता को दूर करने का प्रयास किया जाएगा, अमीर और गरीब के अंदर जो बहुत बड़ी खाई है उसको कम करने की कोशिश की जाएगी और सब लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने की कोशिश की जाएगी तथा धन का और आर्थिक संसाधनों का किसी व्यक्ति विशेष के हाथों में केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। समाज के अंदर सभी व्यक्तियों को एक आर्थिक समानता मिले, आर्थिक सुरक्षा मिले और सब लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो, समाजवाद समाजवाद है वो ये इस तथ्य को स्पष्ट करता है। अगला शब्द है प्रस्तावना के अंदर पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता, ये पंथ निरपेक्षता शब्द है ये भी हमने BIC संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, जब संविधान की मूल प्रस्तावना थी उसमें ये शब्द नहीं था। अब देखिए पंथ निरपेक्षता का मतलब ये है कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, देश के अंदर किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया जाएगा और सरकार के द्वारा अपनी नीतियां और कानून बनाते समय किसी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान है, धर्म के आधार पर राज्य अपनी नीतियां निर्धारित नहीं किया जाएगा और सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता मिलेगी, किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता मिलेगी, उसका आचरण करना, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता संविधान के अंदर दी गई है। यानी धर्म के आधार पर राज्य अपने नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, राज्य की नजर में हर धर्म बराबर है, हर धर्म का राज्य की नजरों में अपना महत्व है और राज्य धार्मिक आधार पर नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई विभेद नहीं करेगा और सब धर्मों की मान सम्मान इज्जत होगी, सब लोगों को अपने अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की आजादी पंथ निरपेक्षता के अंदर दी गई है। तो भारत है वो एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। अगला जो शब्द संविधान की प्रस्तावना में काम में लिया गया है वो है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक, देखिए लोकतांत्रिक शब्द का मतलब है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें जनता सर्वोच्च हो, जनता की सर्वोच्चता। लोकतंत्र का मतलब है जनता की सर्वोच्चता, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता सर्वोच्च हो, भारत के अंदर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। इसका पता हमें इससे चलता है कि भारत में निर्धारित समय पे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाए जाते हैं और जनता अपनी मतदान शक्ति के माध्यम से सरकारों में परिवर्तन करती है
और जो सरकार गठित होती है वो भी जनता की इच्छाओं और भावनाओं के अनुरूप कार्य करती है। यदि कोई सरकार जनता की इच्छाओं और भावनाओं के अनुरूप कार्य नहीं करती तो ऐसी सरकार को जनता है वो मतदान शक्ति के माध्यम से हटा सकती है, बदल सकती है। तो भारत के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ पे सत्ता में परिवर्तन जनता की इच्छा के अनुसार किया जाता है। यहाँ अनुच्छेद 326 के अंदर प्रत्येक नागरिक को वैश्विक मताधिकार दिया गया है और स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। यहाँ भारत के अंदर इब्राहिम लिंकन की जो परिभाषा उन्होंने लोकतंत्र के संबंध में दी गई थी कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है, वो सही तरीके से यहाँ लागू होती है। यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जनता की सर्वोच्चता है। तो भारत में लोकतंत्र को अपनाए गए हैं, ये बात संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट होती है। अगला शब्द जो है वो है गणराज्य। गणराज्य देखिए, गणराज्य का मतलब होता है कि ऐसी व्यवस्था जिसके अंदर राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष गणराज्य किसको कहते हैं, ऐसी व्यवस्था जिसका राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्र का जो अध्यक्ष होता है यदि वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है तो उसको गणराज्य कहा जाता है। तो भारत के अंदर राष्ट्राध्यक्ष कौन है, भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष है और भारत का राष्ट्रपति है वो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ प्रतिनिधि है। राष्ट्रपति का चुनाव है वो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। और भारत का राष्ट्रपति चूंकि भारत का राष्ट्राध्यक्ष है, देश का प्रथम नागरिक है और इनका निर्वाचन जनता के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए भारत गणराज्य है। तो गणराज्य वह राष्ट्र होता है जिसका राष्ट्राध्यक्ष या सर्वोच्च व्यक्ति जनता के द्वारा यदि चुना गया है तो वह गणराज्य कहलाता है। देखिए ब्रिटेन में भी लोकतंत्र है परंतु वहां गणतंत्र नहीं है क्योंकि वहां का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो वहां की राजा या रानी होती है जो अपना पद वंशानुगत आधार पे धारण करती है। तो ये जरूरी नहीं कि किसी देश में लोकतंत्र हो वहां गणतंत्र भी हो, परंतु भारत में लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों है। गणतंत्र इसलिए कि भारत का राष्ट्रपति यहाँ जो यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष है जनता के द्वारा चुनाव प्रतिनिधि है, तो भारत है वो गणतंत्र है। अगला जो शब्द है संविधान के अंदर तीन शब्द है, तीन प्रकार के न्याय की बात भारत के संविधान की प्रस्तावना करती है, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक। भारत के संविधान की प्रस्तावना नागरिकों को अपने नागरिकों को तीन प्रकार का न्याय देने की बात करती है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये न्याय कौन कौन सी बताई गई संविधान की प्रस्तावना में कि देश के नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जाएगा। देखिए सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि राज्य की नजर में हर समाज के लोग, हर वर्ग के लोग, हर समुदाय के लोग बराबर हैं और किसी भी समुदाय किसी भी वर्ग के साथ राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 17 है वो सामाजिक न्याय की स्थापना करता है और छुआछूत को या असप्रेस्यता को दंडित घोषित करता है। इसके अंदर ये बताया गया है कि असप्रेस्यता एक दंडनीय अपराध है। तो सामाजिक न्याय ऐसी न्याय है जिसमें समाज के हर वर्ग के व्यक्ति को, हर धर्म के लोग को, हर जाति के लोग को, चाहे वो उच्च तबके का हो चाहे निम्न तबके का हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, उसका मानव होने के कारण एक मानवीय गरिमा है, उसका सम्मान किया जाएगा, किसी के साथ कोई छुआछूत का भेदभाव नहीं किया जाएगा और किसी भी प्रकार का उनके साथ राज्य कानून बनाते समय नीतियां बनाते समय कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो ऐसी व्यवस्था यहाँ भारत के अंदर की गई है, भारत के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक न्याय दी गई। आर्थिक न्याय अगली है, आर्थिक न्याय। देखिए आर्थिक न्याय का मतलब होता है कि व्यक्ति जो काम कर रहा है उस काम के बदले उसे उचित वेतन या प्रासंगिक मिलना चाहिए। दूसरा इसका मतलब है आर्थिक रूप से कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, कोई किसी को बाध्य होकर काम नहीं करवाएगा और यदि कोई व्यक्ति काम करता है तो उस काम का उसे उचित मूल्य मिलना चाहिए। तीसरा मतलब है आर्थिक न्याय का कि सब व्यक्तियों की मूलभूत आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति वो अभावों के अंदर ग्रस्त न हो और सब व्यक्तियों की हमें मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, आर्थिक न्याय है। अगला आर्थिक न्याय का मतलब है आर्थिक विषमता को दूर करना, अत्यधिक आर्थिक विषमता दूर करना भी आर्थिक न्याय के अंदर शामिल है। तो सब लोगों की मूलभूत आर्थिक आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, सब व्यक्तियों को रोजगार के अवसर मिलने चाहिए, काम के बदले उन्हें उचित वेतन मिलना चाहिए और आर्थिक शोषण से सभी व्यक्तियों की रक्षा होनी चाहिए,
इस प्रकार आर्थिक न्याय है वो भारत के संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिकों को प्रदान करती है। अब राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय का मतलब है कि राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की आजादी, हर व्यक्ति को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की संविधान की प्रस्तावना के द्वारा बात कही गई है। संविधान में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति है वो निर्धारित योग्यता पूरी करने पर संसद का चुनाव लड़ सकता है, विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है, किसी भी राजनीतिक पद को प्राप्त कर सकता है। अनुच्छेद 326 जो वैश्विक मताधिकार की बात करता है कि सब लोगों को बिना किसी भेदभाव के वैश्विक मताधिकार दिया जाएगा, वो भी राजनीतिक न्याय की बात करता है। इसके अलावा हम सरकार की आलोचना कर सकते हैं, सरकार को प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, तो वो सब राजनीतिक न्याय के अंदर ही शामिल किए जाते हैं। यानी राजनीतिक गतिविधियों में समानता और राजनीतिक गतिविधियों में सब लोगों को खुलकर भाग लेने की जब आजादी मिलती है तो वो राजनीतिक न्याय कहलाती है। तो भारत के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ही लोगों को ये राजनीतिक न्याय प्राप्त होती है। तो इस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है।